आप देख रहे हैं NMP न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मेहमानों के आवागमन वाले मार्गों और उनके ठहरने के लिए तय किए गए होटलों व आयोजन स्थलों के आसपास विभिन्न परिसरों की टूटी दीवार, रेलिंग, जर्जर बिल्डिंग और दिल्ली की खूबसूरती पर लगे दाग दिखाई नहीं देंगे। इसी तरह उनके आवागमन वाले मार्गों और होटलों व आयोजन स्थल के आसपास मलबा, कबाड़, कूड़ा आदि सामान भी पड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा। सजाने संवारने से वंचित रहने वाले स्थानों को होर्डिंग लगाकर छिपाया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के सिलसिले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना कई दिन से नई दिल्ली इलाके में मेहमानों के आवागमन वाले रास्तों के साथ साथ उनके ठहरने के लिए तय किए गए होटलों और सम्मेलन के आयोजन स्थल के आसपास के इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान कई सड़कों पर विभिन्न परिसरों की दीवार व रेलिंग टूटी मिली, कई बिल्डिंग भी जर्जर हालत में दिखाई दी, जबकि आयोजन के पास भैरो रोड के मध्य खाली पड़े क्षेत्र में भी मलबा व कबाड़ पड़ा हुआ था। उपराज्यपाल ने टूटी दीवारों और रेलिंग और जर्जर बिल्डिंगों को सही करने के संबंध में निर्देश दिए। वहीं भैरो रोड के मध्य खाली क्षेत्र को विकसित करने का आदेश दिया। इस मौके पर NDMC व PWD के अधिकारियों ने बताया कि टूटी पड़ी दीवारें व रेलिंग और जर्जर बिल्डिंग उनके अधीन नहीं है, इस कारण एक ओर वह उनको सही नहीं कर सकते हैं, दूसरी ओर उनको सही करने में काफी समय लगेगा। भैरो मार्ग के मध्य खाली इलाके को भी विकसित करने में हाथ खड़े कर दिए। बंदरों को रोकने के लिए भी लगेंगे होर्डिंग। NDMC ने बंदरों की समस्या से निपटने के लिए भी होर्डिंग का सहारा लेने का निर्णय लिया है। सरदार पटेल मार्ग पर रीज एरिया की ओर होर्डिंग लगाए जाएंगे। दरअसल इस रोड पर कई होटल हैं। रीज रोड की ओर से सरदार पटेल मार्ग पर बंदर आते रहते हैं। ऊंचे होर्डिंग लगाने से बंदरों का उनके ऊपर से आना आसान नहीं होगा। भारत मंडपम के सामने लगेगी नटराज की अष्ट धातु प्रतिमा। G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयार प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम के सामने लगेगी नटराज की अष्ट धातु प्रतिमा। G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयार प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम के सामने भगवान शिव के नटराज स्वरूप की अष्ट धातु की प्रतिमा विराजेगी। अपनी तरह की सबसे विशाल प्रतिमा का निर्माण तमिलनाडु के शिल्पकारों ने किया है। 27 फीट ऊंची और 21 फीट चौड़ी प्रतिमा तैयार करने के लिए 9वीं से 12वीं सदी की तकनीक का प्रयोग किया गया है।